को मजबूती के साथ मुकाबला किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने कोरोना महामारी के खिलाफ जो अभियान चलाया है, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के सामने चुनौती भी सर्वाधिक थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का सहयोग, जनप्रतिनिधियों की हमारी सक्रियता, शासन के मार्गदर्शन में हमारे जिलों की टीम ने जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे और उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के अंदर सबसे भयावह रहेगी, उस उत्तर प्रदेश ने पिछले 20 दिनों के अंदर, यानी 30 अप्रैल को हमारे पास जो कुल एक्टिव केस थे, जो हमारे पास सर्वाधिक केस आए थे पॉजिटिव केस, वह 24 अप्रैल को आए थे 38,055। और यह आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख केस आएंगे, 38,000 के बाद हम लोग उसको घटाते घटाते नीचे आने में सफल हुए। आज 7,700 के आसपास पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। एक्टिव केस के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि देश में और दुनिया में सर्वाधिक होंगे और 30 अप्रैल तक इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी ज्यादा थी, रिकवरी कम थी, और 30 अप्रैल तक आते आते संख्या 3,10,000 तक तो पहुंची थी, लेकिन पिछले 20 दिनों के अंदर जो बृहद अभियान चला है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, आज उसका परिणाम है कि पिछले 20 दिनों के दौरान 2,04,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं, यानी इतनी रिकवरी हुई है और वे लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं या घरों में सुरक्षित हैं। इसके लिए हमें टेस्ट करने पड़े, देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुके हैं, 1,60,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीन दिया है, 18 प्लस को भी हम लोगों ने लगभग 8,00,000 से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा अभियान चल रहा है वो निगरानी समितियों के माध्यम से स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, वे गांव गांव जा रही हैं, अभिनंदनीय कार्य कर रही हैं और गांव गांव स्क्रीनिंग करने के साथ साथ मेडिसिन किट का वितरण, फिर आरआरटी की टीम वहां जाकर के उन लोगों का जो भी लक्षणयुक्त संदिग्ध व्यक्ति पाए जाते हैं उनका एंटीजन टेस्ट करते हैं, एक बृहद अभियान चल रहा है। और इस गांव को, इस अभियान को हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी लिया है कि अपने अपने विधानसभा में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव एक अभियान के साथ चला, जिसका परिणाम है कि तराई की बेट का ये जनपद जो प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में गिना जाता है, लखीमपुर खीरी, इस जनपद में मात्र 1400 एक्टिव केस आज के दिन पर बचे हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट यहां का अब मात्र 4% के आसपास है। इसके लिए टेस्ट बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन और अलग केंद्र बनाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं और हरेक ग्रामीण के क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेकर के हमें भविष्य की तैयारी भी अभी से प्रारंभ करनी होगी और उसकी तैयारी हरेक जनपद में प्रारंभ हो चुकी है। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा
कि किसी भी जनपद में सर्वाधिक जनप्रतिनिधियों ने अब तक जो मैंने विजिट किया है प्रदेश के अंदर, उसमें सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों ने किया है और वे सचमुच अभिनंदनीय है। यह अभिनंदनीय है कि उन्होंने अपने अपने विधानसभा या अपने अपने संसदीय क्षेत्र में यहां पर ऑक्सीजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं। यह बेहतर पहल है। यह लड़ाई हमारी एक सामूहिक रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई है और हरेक व्यक्ति को इस युद्ध में मिलकर के लड़ना होगा। मेरी आप सबसे भी अपील है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जीविका को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है, उद्योग चले, सामान्य गतिविधियां हमारी यहां पर चलायमान रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर न हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। उद्योगों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कार्रवाई, गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से कल से प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। राज्य सरकार जून जुलाई अगस्त में प्रदेश के अंदर उन सभी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था करी रही है। साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और जिला प्रशासन से भी कहा है कि कोई भी जरूरतमंद किन्हीं कारणों से अगर उसका राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड निरस्त हो गया था, उसके पास कोई आजीविका का साधन नहीं, उसका राशन कार्ड बनवाइए, उसको खाद्यान्न उपलब्ध करवाइए। जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा ई रिक्शा ठेला खोमचा लगाने वाले नाविक हैं, धोबी है, नाऊ है, मोची है, माली है, हलवाई है या और भी अन्य ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, इनकी आजीविका प्रभावित हुई है, उनको भरण पोषण भत्ता हम जून में देने की कार्रवाई कर रहे हैं। श्रमिक हैं, ये सभी कार्रवाई भी हमारी इसके साथ ही आगे चल रही है। हर जरूरतमंद के साथ, हर गरीब हर किसान के साथ सरकार खड़ी है और इसके बारे में पूरी मजबूती के साथ हमारे जनप्रतिनिधिगण मेहनत से कार्य कर रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी कि कोरोना के प्रति जागरूकता में आपकी बड़ी भूमिका है। हर एक व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करना, वह मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकलें, शेष अन्य लोग भी जरूरत पड़ने पर ही आवश्यक कार्य हो तो ही घर के बाहर निकलें, अन्यथा घर के बाहर ना निकलें। इसके साथ ही वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी हैं और एक तीसरी वैक्सीन भी आ चुकी है। जुलाई में कई और वैक्सीन आने वाली हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल टेंडर के माध्यम से भी तमाम लोगों को इस वैक्सीन के लिए वैक्सीन की उपलब्धता हो, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति वैक्सीन लगाए, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वहां कराने जा रहे हैं। लोग वैक्सीन लगाने के लिए जरूर आए, इसके बारे में लोगों को प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन तो कर रहा है, मीडिया भी अगर उसमें सहयोग दे सकेगी तो सफलतापूर्वक कोरोना के खिलाफ इस देश की लड़ाई को हम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लैक कांग्रेस पर